जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है वो भारत जैसे देश का सपना भी मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। आचार्य चाणक्य को सपने देखने का बड़ा शौक है। आचार्य सुखदेव। गुरुदेव क्षमा चाहता, 18-20 जनपदों में बटे भारत में अखंड भारत देखना दिन में सपने देखने जैसा नहीं है तो और क्या है गुरुदेव? इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। चाणक्य, मैं आचार्य सुखदेव के इस व्यंग को अनुचित मानते हुए भी तुम्हारे स्वप्न को क्या कहूं वत्स? असंभव विचार या अव्यवहारिक सोच? गुरुदेव, अखंड भारत कोई अव्यवहारिक विचार नहीं है। यह ना सिर्फ सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। लेकिन इसके लिए किसी को मगध जाकर मगध नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव, काम शिक्षक का है तो शिक्षक ही करेगा। ये हम तक्षशिला के शिक्षक हैं, मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा काम नहीं है। अवसर आए तो राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं। मेरे विचार से कार्य तुम्ही को करना चाहिए। हाँ हाँ चाणक्य, तुम अभी चल पड़ो मगध के लिए, क्योंकि यदि तुम अभी शुरू करोगे तो वहां वसंतोत्सव में पहुंच सकते हो। मतलब राग रंग, नाच गाना, सुरा सुंदरी, मतलब वसंत ही वसंत। यदि गुरुदेव आपको वहां भेज रहे हैं तो इनका भी लाभ उठा लीजिए राष्ट्रहित के साथ साथ, है ना गुरुदेव? जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही विचार। स्पीकर और बिजनेस कोच, आज की बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित पे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम चाणक्य, इसीलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बुद्धि के भगवान, इनकी कूटनीतियों पर चल के कई साम्राज्य स्थापित हुए। आज कई बड़ी मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो सारी मिनिस्ट्रीज अकेले देखने में सबसे ज्यादा सक्षम, और इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये खुद आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में ये एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है, ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इन सब में ये इतने एक्सपर्ट व्यक्ति। अगर आप भी बुद्धि अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, बुद्धि का विकास चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये समुद्र शास्त्र में भी पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख के बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में। ये एक्सपर्टीज इनको आगे चल के कई साम्राज्य को स्थापित करने में इसकी मदद करी। इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे, पीछे से इनके घर में एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आया, जो उनकी मां से जब मिला तो उन्होंने चाणक्य की पत्री देख के बोला कि ये तो आगे चल के इसके जीवन में राजयोग लिखा है, ये आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मां सोचने लगी अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या ये बात सच है? बोला इसकी पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे उसके नागराज का चिन्ह होगा। और वो पुष्टि करने के लिए जब मां ने बुलाया तो देखा कि चाणक्य के दांत पे वो चिन्ह था। तो मां रोने लगी, बोली तू आगे चल के राजयोग के चलते प्रधानमंत्री बनेगा, मुझको भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और क्या बोला, मां तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने, प्रधानाध्यापक बने। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, पोरस को हरा चुका था। और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। ये अलग अलग राजाओं से इन्होंने मिलना शुरू किया। उस समय मगध
जो सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश जो आज का समय है, वो सारा सब उस समय मगध कहलाया जाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद ये उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। और तब इन्होंने कहा, अच्छा उस समय धनानंद बिजी था, किन चीजों में बिजी था, वो प्रजा से कर वसूलता था, टैक्स लेता था, और उसको अपने जुए सट्टे लॉटरी में, परस्त्री गमन में, अपने भोग विलास के अंदर खर्च कर देता था। इन्होंने इसको समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से पैसा ले, जो आप टैक्स लेते हैं उसको समाज सेवा में लगा दें। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला ए पंडित, तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने इनको दोबारा समझाने का प्रयास किया, इन्होंने धक्का मार के उसको गिरा दिया नीचे। और जब चाणक्य नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और बोले तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात पर चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया, बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं। बहरहाल अब चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टीवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका नाम था चंदू। इसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त। इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे संस्कार और सारे प्रकार के शास्त्र उसको सिखाए। इमेजिन करिए, ये 17-18 साल के लड़के चंद्रगुप्त की मदद से इन्होंने सोचा कि मैं सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा थी, उनकी शरणागति थी चाणक्य पंडित के प्रति। चाणक्य उनको एडवाइस करते चले गए, गाइड करते चले गए, चंद्रगुप्त उनकी सारी बातों को मानते चले गए। ये कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान, बोले सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम इनकी सेना में शामिल हो जाओ। किसी प्रकार से इन्होंने छोटे से बालक को उनकी सेना में घुसाया और उनका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना समझ में आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी है। बोला अब इनको मन से थका देंगे। इन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी सिकंदर की सेना के बीच में। देखिए, सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश, भारत के जो देवी देवता है, वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अजीबोगरीब काम कराए, कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे, द्विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे, उनके देश के झंडे को जो पहाड़ पर लगा हुआ है उसको जला देते थे, अलग अलग प्रकार की विस्मक भ्रांतियां फैला देते थे, लोगों के अंदर कंफ्यूजन, आपस में उनको लड़वा देते थे। 15-16-17-18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5,000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर के हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। ये पहुंच तो गए 5,000 के हाथी घोड़ों छोटी सी सेना लेके, लेकिन दिन के अंदर दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खोलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है, खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा, परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से, कोने कोने से खाओगे हाथ नहीं जलेगा, बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया, उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले, माई तुमने मुझको एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़े रिसोर्सेस सेना नहीं थी। धनानंद उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था उनका नंदा डायनेस्टी का, लेकिन इन्होंने जाकर के 7 स्ट्रैटेजीज बनाई। पहली जो उन्होंने मां से वहीं सीखी कि परिधि पे हमला करो, परिधि मतलब बाहर का सर्कमफ्रेंस, जो बाहरी घेरा होता है। तो धनानंद के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों पे उसकी कमजोर पकड़ थी, जहां जहां उसकी कम, वहीं से इन्होंने हमले करने शुरू किए, छोटे छोटे हमले करने शुरू किए, जिसके लिए इन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, विश्व कन्याओं की टीम तैयार करी। ये विश्व कन्याओं की सेना
क्या होती है? बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियों की एक सेना तैयार करी, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दे दे के उनको विषकन्या के रूप में तैयार कर दिया। यह पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में बहुत सारे काम चाणक्य ने पहली बार किए, और ये विषकन्याओं की सेना वहां के परिधि के राजाओं को चूम कर अपने चुंबन से उनको विष दे के समाप्त कर देती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने तीसरी स्ट्रैटेजी की अपनाई, जासूसों की सेना बनाई। इतने जासूसों को ट्रेनिंग दी कि जासूसों को कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर की लाके देनी है। अब चाणक्य को समझ में आ गया स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। ये क्या कहते थे, शत्रु के साथ लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वैसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम। ये इन्होंने कैसी करी, इन्होंने वात्स्यायन मुनि का एक वेश धारण कर लिया, और ये जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा। एक पॉपुलर अपने आप को वात्स्यायन मुनि के भेष में जाकर के लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते थे और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे कि तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। ये जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभु भावित हो जाएंगे और मेरी स्टोरी और मेरी कहानी पर विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। उनकी आत्मा मन बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके एक एक करके धीरे धीरे 800,000 लोगों की सेना तैयार कर दी। यह सेना ऑलरेडी 4 गुना बड़ी हो चुकी थी अब धनानंद से। इनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना और घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की सेना, इतनी बड़ी सेना धीरे धीरे। ये देखिए, इस सारी स्ट्रैटेजी पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहे। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेशु च सर्पेशु वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेशु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पो दंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रैटेजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च, और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है, पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है, पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5,000 घोड़े सैनिक के साथ, वो क्या था, पहले लॉन्च कर दिया, बाद में टेस्ट से पता चला कि फेल हो गए। अब क्या करते थे, अब कहते थे अभ्यास करेंगे। बोले प्लानिंग और प्रैक्टिस में फर्क है, प्लान तो आपका ठीक होगा लेकिन छोटे छोटे प्रैक्टिस करेंगे। तो छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे, उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई। इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि उसके बाद वो टेस्ट एंड लॉन्च, इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पे दिक्कत ना आए। और अगली स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना को बड़े करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया और बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी अपने साथ लिया, जो ये पिछली बार पहले जीत चुके थे ना सिकंदर को, तो वहां से कुछ यूनानी राजाओं के साथ भी उन्होंने सपोर्ट लिया। पोरस का भी सपोर्ट अपने साथ में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ में अपनी सेना में बनाया। इतनी बड़ी सेना बना करके ये 7 स्ट्रैटेजीज मिला के इकट्ठे चलते चले गए, एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के खत्म कर दिया। धनानंद कभी सपने में नहीं सोच पाया, वो तो शराब के नशे में रहता था, प्रजा के टैक्स को अपने मजे के लिए खर्च कर देता था, लेकिन चाणक्य जानता था अखंड भारत का सपना मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। ये 7 पैरेलल स्ट्रैटेजीज पे आप वीडियो को वापस घुमा के ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रैटेजी धनानंद को जीतने के लिए। इस राज्य था नंदा डायनेस्टी का। लेकिन अब बात करेंगे रिटेंशन और एक्सपेंशन की। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 था एक्विजिशन, पार्ट 2 है रिटेंशन, मतलब अभी जो है उसको संभाला, एक्सपेंशन मतलब बलूचिस्तान, कांधार, गांधार
आप अफगान और उसके बाद वहां से तुर्कमेनिस्तान तक जाकर के उन्होंने भारत को बढ़ाया, एक छत्र अखंड राज चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया। इसको कैसे एक्सपैंड किया, 20 साल पहले, अब 20 साल बाद की बात करूंगा, 20 साल पहले जब इन्होंने सिकंदर को खदेड़ दिया था, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलिकस जो पहले प्रधानमंत्री था वो राजा हो चुका था, उसने ईरान मिस्र और पूरे अरब जगत को रौंद डाला था। लड़ते हुए जीतते हुए 20 साल के बाद उसने सोचा अब मैं अफगान आकर के काबुल कांधार को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, ताकतवर हो चुका हूं। 20 साल पहले हम लोग आए थे यहां पर, वापिस लौट गए थे थक के हार के, लेकिन अब तो भारत को ऐसे लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा। धन की कमी थी उसके पास, सोचा क्यों ना भारत पे फिर अटैक किया जाए और भारत को रौंद दे। लेकिन जानता नहीं था अब वो भारत नहीं रहा, ये विभाजित टुकड़ों में, ये विभाजित टुकड़ों में बटा हुआ भारत नहीं था, अब तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर यहां रहता था जो एक छत्र अखंड भारत को लीड करता था। सेलुकस ने 3 लाख की पैदल सेना, हाथी घोड़े लेके भारत पे धावा बोल दिया, लेकिन चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे, चाणक्य की गाइडेंस में युद्ध शास्त्र में एक्सपर्ट हुए लोग जो इतने अलर्ट और ताकतवर थे, अब शराब के नशे में नहीं थे नंदास की तरह, अब उन्होंने ऐसा खदेड़ा इनको, ऐसा खदेड़ा और इतना हैवी अटैक किया वापस, ये थकी हुई सेना उनके सामने बहुत तेजी से हारने लगी, इतना कत्लेआम हुआ, इन्होंने बर्बाद कर दिया। वहीं सेलुकस समझ गया अब सरेंडर करना ठीक है, नहीं तो जिंदा बचना संभव नहीं रहेगा। चाणक्य भी यही चाहते थे कि सेलुकस सरेंडर कर दे। सेलुकस सरेंडर किया तो चाणक्य ने कहा दो नियम हैं, दो शर्तों पे तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहला क्या, कांधार गांधार बलूचिस्तान तुर्कमेनिस्तान तक जितना भी अफगान का राज तुमने किया है वो सब अब मौर्य डायनेस्टी में आ जाएगा, वो मान गया। और दूसरा, तुम्हारी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा और तुम्हारी पुत्री से उत्पन्न संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी। ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या बोला, क्योंकि तुम विदेशी मूल के हो और विदेशी नागरिक होने के कारण तुम्हारी भारत के प्रति वो निष्ठा नहीं हो सकती, तो हेलन का विवाह तो होगा लेकिन पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। और ये दो शर्तें जब रखी तो चंद्रगुप्त मौर्य वापस आए और आचार्य से पूछे, आचार्य क्या कारण है कि मैं क्यों हेलन से विवाह करूं, ये हेलन से विवाह करके हमारा क्या फायदा होने वाला है। तभी चाणक्य पंडित ने कहा, ये लेसन सुनिएगा जरा ध्यान से, कहा कि समस्या को खत्म नहीं करना, जड़ से खत्म करना है। चंद्रगुप्त सोचने लगे जड़ से कैसे खत्म होगी, तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेके अपने साथ में बाहर जंगल में चले गए और वहां पे कांटों के पौधे के ऊपर से चलने को बोला। चंद्रगुप्त को और चाणक्य को कांटा चुभा, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्या करेंगे कांटा चुभे नहीं, तो चंद्रगुप्त बोले कि इस कांटों की झाड़ी को उखाड़ दो। चाणक्य बोले रुको, चाणक्य एक मीठी लस्सी एक मीठा मट्ठा लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने उस कांटों के पौधों की जड़ों में डाल दिया। चंद्रगुप्त हैरान होकर देखने लगे, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, ये मीठा मट्ठा डालने से ये जड़ से कैसे खत्म होगा। वहीं चाणक्य पंडित बोले, जैसे ही मीठी लस्सी आएगी इसके बाद चींटियों का अटैक पड़ जाएगा इनकी जड़ों पे और जड़ों तक जाकर के उस मट्ठे को चाटने और खाने के लिए चींटियां खत्म कर देंगी, इसकी जड़ों को उखाड़ के बर्बाद कर देंगी और ये मृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक बार तुमने हेलेन के साथ विवाह कर लिया तो ये जो यवन है ना, ये दोबारा अपने ही घर परिवार में अटैक करने नहीं आएंगे। ये जो बार बार 20-20 साल बाद आते हैं सिकंदर की संतानें, ये दोबारा नहीं आएंगी, इसलिए तुम उसकी पुत्री से विवाह कर लो, समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। चाणक्य पंडित बहुत दूरदृष्टि रखते थे, इसको बोलते हैं एक विजनरी लीडर जो कि बिहेवियर्स को समझते हैं और उनको प्रेडिक्ट करते हैं, और यही कारण है अच्छा मेंटर हो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। और इसके बाद मैं आपको 12 विजनरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज देता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए, 12 वो स्ट्रैटेजीज जिनसे चाणक्य ने मेंटेन भी किया उस एक छत्र साम्राज्य को और उसके बाद एक्सपेंशन और किया। पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसरप्शन ऑफ करप्शन। चाणक्य पंडित जानते थे कि करप्शन को समाप्त करना जरूरी है, करप्शन जो आज भी हमारे देश के अंदर पूरी तरह से व्याप्त हो रखा है, आप और मैं सब उससे पीड़ित हैं। चाणक्य पंडित जो पहले विजनरी लीडर हमारे पृथ्वी के 2300 साल पहले, उन्होंने ऑडिट मैकेनिज्म चालू कर दिया था। ऑडिट मैकेनिज्म जो आज ऑडिटिंग कंपनीज हैं, चाणक्य पंडित तब से ऑडिट करते आ रहे हैं। ट्रांसफर सिस्टम रखा हुआ था कि किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे एक आदमी को लंबे समय तक नहीं रखना, उसका ट्रांसफर करते चले जाएं। आपको जान के गर्व होगा कि पृथ्वी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाटलिपुत्र भूमि की उपज है। यह कॉन्स्टिट्यूशन को भी धर्म के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। हर देशवासी को कॉन्स्टिट्यूशन मानना होगा, ऑडिट मैकेनिज्म के थ्रू सबको कंट्रोल करके रखेंगे। दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए 6-point प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन एबिलिटी बिल्ड करते हैं। क्या होता है यह 6-point प्लान, यह हर काम को करने से पहले ही डिसाइड करते थे 6 चीजों को कि हमें करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा,
कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा और इस काम को चेक कौन करेगा, ये छह चीजों को कंट्रोल करते हैं। मेरा पिछला एक वीडियो टीआरए टीआरएस, वो मैंने चाणक्य के पंडित से लेके बताया था आपको, टीआरए टीआरएस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। अमृत सिंह, एक बात सुनिए ध्यान से, सांप को दूध पिलाओगे ना तो विष और बढ़ जाएगा, सांप और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। तो करना क्या है, ये अपने अच्छे लीडर्स को बिल्ड करने पे बड़ा फोकस करते थे। इन्होंने एक श्लोक दिया, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणम छेदन ताप ताडने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार सोने को चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी को निघर्षणम उसको रगड़ के देखा जाता है, छेदन उसमें छेद किया जाता है, तापन उसको आग में ताप कर परखा जाता है, ताडने उसको पीट पीट करके चेक किया जाता है। सोने को चेक करने के लिए ये चार स्टेप्स हैं। उसी प्रकार अपनी टीम के अंदर हाई परफॉर्मिंग बिजनेस लीडर्स फंक्शनल हेड को भी चेक करने के लिए चार काम करने जरूरी है। तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते, पुरुष की परीक्षा करने के लिए भी, तथा उसी प्रकार, यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार, एक पुरुष की परीक्षा लेने के लिए चार काम करने हैं। पहला क्या है, त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। पहले उसके त्याग को देखो, क्या जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है वो पर्सनल पावर के लिए कर रहा है, पोजिशनल पावर के लिए कर रहा है। कई लोग केवल पोजिशन के पीछे भाग रहे हैं, वो सत्ता कुर्सी लोभ लालच इसके पीछे कर रहे हैं, क्या उसमें त्याग की भावना है कि नहीं है, पहला पॉइंट। अगर त्याग की भावना नहीं है आपके लिए खतरनाक साबित होगा। शीले न, उसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कठिन परिस्थिति में उसका चरित्र दिखाई पड़ेगा। गुणे न, उसकी इंट्रिंसिक बाकी क्वालिटी कैसी हैं। कर्मणा, वो काम कैसे करता है, उसके कर्म कैसे हैं। ये चार चीजें जब आप देखेंगे तो इससे आप अपने हाई परफॉर्मिंग लीडर्स को, आप कैरेक्टर्स को तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे सोने में बताया गया गोल्ड को चेक करने के लिए चार चीजें, इसी तरह हाई परफॉर्मिंग टीम को चेक करने के लिए भी चार चीजें। चौथा प्रिंसिपल बड़ा कमाल का इन्होंने एस्टैब्लिश किया, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ। क्या मतलब हुआ, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, यह भावना उन्होंने पूरे देश में फैला दी। ये भावना फैलाने से क्या हुआ, ये हमेशा बोलते थे ना, जय मां भारती, भारत को अपनी माता मानते थे, राष्ट्रवाद राज्यवाद नहीं, ध्यान दीजिएगा, कमॉन, आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं, राज्यवाद जातिवाद धर्मवाद, लेकिन ये क्या करते थे, राष्ट्रवाद। देश को अगर एक करना है, पूरे देश को एक साथ जोड़ना है, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। एक बार एक कहानी सुनाता हूं बड़े कमाल की आपको, यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए और जब वो महल पहुंचे, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंच के उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है, तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर, तो एक सैनिक उनको लेके गया चाणक्य की कुटिया की तरफ, लेके गया नगर के बाहर, कहीं कच्चे रास्तों से पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी उनकी कुटिया तक पहुंचे और जाकर के जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और बोला, आचार्य आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो महामंत्री हैं, आपको तो चंद्रगुप्त किसी भी समय अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं। चाणक्य ने जो उत्तर दिया, जान के बड़ा खुशी होगी आपको, चाणक्य कहते हैं, अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत पसीने खून की कमाई के दम पे मैं महल में रहूंगा तो मेरे देश की जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। कम ऑन, ध्यान दीजिए, अगर आपके टैक्स के पैसे से मैं महल में रहा तो आपको कुटिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए मैं कुटिया में रहता हूं ताकि अपने देश के दर्द को समझ सकूं। इसीलिए कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ। एक बार एक चीनी नागरिक इनसे मिलने गया, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए। वो चीनी नागरिक एक बड़ा व्यापारी था, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने आया और आकर के उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुआ। तो आचार्य उस समय कुछ लिख रहे थे और उस समय जब लिख रहे थे तो उसको चीनी नागरिक को देख के उन्होंने प्रणाम किया उत्तर में। उसके बाद वहां दो दिए पड़े थे, तेल के दिए होते थे ना उन दिनों को, बिजली लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, शैंडेलियर, तेल के दिए में एक दिए को बुझाया और दूसरा दिया जला दिया। तो वो चीनी नागरिक देख के हैरान हो गया, बोला लगता है यहां की कोई प्रथा है देश की, भारत की, कि जब कोई गेस्ट आएगा तो एक दिए को बुझाओ दूसरा दिया जला दो। बोला गुरुदेव इस प्रथा के बारे में समझाइए। चाणक्य ने कहा यह कोई प्रथा नहीं है, वो जो पहला दिया था ना उसमें जो तेल था वो मेरे देश का तेल था, क्योंकि मैं देश के काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था और लिख रहा था और देश का काम इस समय कर रहा था, पर अब तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेने आए हो
तो मैं देश के तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता दिया जलाने के लिए, यह मेरा पर्सनल तेल और मेरा निजी दिया है, इसको जला रहा हूं क्योंकि पर्सनल डिस्कशन हो रही है, इससे मैं देश के लिए नहीं हो रही। चाणक्य की बात सुन के, उनकी ईमानदारी और राष्ट्र निष्ठा को देख के वो वही नतमस्तक हो गया, उनके चरण स्पर्श किए। चाणक्य ने इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर दिया कंट्री फर्स्ट, जिसके कारण देश दोबारा टूटा ही नहीं कभी। अगला प्रिंसिपल, बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें हैं यहाँ। एक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक गोपनीय ज्ञान को गोदाम में, गोदाम मतलब क्या होता है, बेसमेंट में छुपा हुआ, अंदर दबा हुआ, गोदाम के अंदर। यानी कि चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपनी गोपनीय बात को पहचान नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो कैसे विश्वास कर लोगे कि दूसरा पचा लेगा या छुपा लेगा। अगर आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते तो दूसरा कैसे रख लेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, अपने सीक्रेट्स को सब में पब्लिक ना करें, उसको गोदाम में छुपा के रखें। यह बुद्धिमान इंसान की निशानी है। थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा बनाने का मन करता है, लेकिन आप लोग के पास समय कम है ना। तो छठा पॉइंट है, इवैल्यूएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप किसी ना किसी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है संसार की, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, पर वो ही कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट और सामने वाले का इंटरेस्ट दोनों को इवैल्यूएट कर लो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपके लिए खतरनाक नहीं है, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपको कोई बड़ा खतरा नहीं देने वाला, तो ऐसा रिलेशनशिप ठीक रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। सातवां पॉइंट, कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना सकता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे सांप जिसका भी जहर नहीं है उसको भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि ये सांप जहरीला नहीं है तो उस सांप का बड़ा बुरा हाल किया जाएगा, उसको लोग बहुत तंग करेंगे। जब कृष्ण भी गीता सुना रहे थे और देखा कि अर्जुन अभी थोड़ा उबासी ले रहा है बीच में, अच्छा चल रहा है गीता, तभी कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। जैसे कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन क्या बोला, सॉरी सॉरी भगवान साहब, समझ आ गया, सॉरी सॉरी वापस आ जाओ। तो कभी ज्यादा अपनी कमजोरी के बारे में पता ना लगने दो, नहीं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे। आपको डसने का जरूरत नहीं है लेकिन फन दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि मछुआरा भी कुछ पाने के लिए पहले जल में उतरता है। इसका मतलब क्या है, रिस्क लेना जरूरी है। द बिगेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ इज बाय नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। नाइन्थ पॉइंट है, मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना ठीक है, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पहला आपका समय बर्बाद करेंगे, दूसरा अपने बुद्धि के स्तर के नीचे आपको बराबर लाएंगे, और उसके बाद तीसरा आपको पीट पीट के आपको तंग करेंगे। और इसलिए अच्छा क्या है, उनसे दूर ही रहो। अगला पॉइंट है, दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूध चाहिए तो हथिनी ना पालें। हाथी जो है ना, एक एक्सपेंडिचर का सूचक है, यानी कि जब भी कुछ एक्सपेंड कर रहे हो किसी जरूरत के लिए, अननेसेसरी बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करने की जगह कोशिश करें कि अपने आप को एकदम स्लिम एसेट लाइट रखें। आपने मेरा मॉडल सुना ना, फ्लाई लाइट एसेट लाइट, ये चाणक्य पंडित ने उस समय सिखाया था कि जब भी एक्सपेंशन कर रहा हो कोशिश करें कि कम धन के अंदर किया जा सके। हथनी के बिना ही दूध का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। जब आपको पेट्रोल भरवाना हो गाड़ी में तो आप पेट्रोल पंप नहीं खरीदते हैं, जब आपको घर में दूध 2 लीटर मंगाना हो तो आप 10 गाय नहीं खरीद लेते हैं। उसी प्रकार जब आपको एक्सपेंशन करना हो, जबरदस्ती अपने एसेट ना बिल्ड करें, फ्लाई लाइट। 11वां सूत्र है, शराबी के हाथ में दूध का ग्लास भी शराबी समझा जाता है। क्या मतलब हुआ, जो बुरे लोग हैं ना, देखिए आप जहां काम करते हैं, अपने ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं, तो कभी भी कामचोर आलसी लोगों के साथ दोस्ती ना रखें, नहीं तो आपका बॉस आपको कभी पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, ऐसे लोग जो कंपनी में पैरासाइट हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लें, क्योंकि जब भी बॉस आपको उनके साथ देखेगा तो आपको उनके जैसा ही समझेगा, भले ही आप कितने अच्छे कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अपने इंप्रेशन को बनाए रखने के लिए ईमानदार लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि बॉस को हमेशा अलर्ट और कमिटेड लोग ही पसंद आते हैं। और 12वां पॉइंट है, क्वालिटी एनहांसमेंट। चाणक्य क्वालिटी एनहांसमेंट पे बहुत जोर देते थे। जिस प्रकार एक लकड़ी में दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी राज्य का शासक अगर अशिक्षित है तो वो राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। देखिए, विद्या ही निर्धन का धन है। कमॉन, एक बात और, क्या विद्या ही निर्धन का धन है? विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी चोर भी चुरा नहीं सकता, दुनिया में कोई चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए विद्या पे, वो शिक्षक होने के नाते उन्होंने शिक्षा देकर के ही चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते थे कि धर्म और जाति के हिसाब से शासक को नहीं चुना जाना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से शासक को चुना जाना चाहिए। ये आज के वोटिंग सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने धर्म और जातियों के चक्कर में गलत जगह वोट दे आते हैं। वोट हमेशा उसको देना चाहिए जो काबिल है, वो नहीं जो आपकी जात का आपके धर्म का है, जो
काबिल है, काबिल व्यक्ति ही एक्चुअली देश को बदल सकता है। आप जाति और धर्म देश को नहीं बदल पाएगी। हाँ एक बात और, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अगर उसके पास ज्ञान नॉलेज की कमी हो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता रहूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, फ्री यूट्यूब के वीडियोस देखते रहिए। युद्धकाल में सबसे मूल्यवान निधि होती है सूचनाएं और जानकारियां। शत्रु पक्ष की सूचनाएं और जानकारियां हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, और जब हम इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारी व्यूहरचना को बल ही नहीं देती, बल आधार भी देती और उन्हें धार भी देती है। सामरिक महत्व की असरदार सूचनाओं के बल पर बड़े से बड़े युद्धों के परिणाम बदल जाते हैं। युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है। सदैव याद रखो, युद्ध कला को मुख्य 5 तत्व नियंत्रित करते हैं। स्वर्ग या भाग्य, धरती या कर्म, सेनापति, संचालन विधि एवं अनुशासन, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक नियम। नैतिक नियम वो नियम होता है जिसमें प्रभाव और विश्वास के कारण प्रजा अपने राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। राजा के प्रति ये प्रतिबद्धता एक ऐसा नैतिक चाल होता है जिसमें उलझाकर आप जनता से जो चाहे करवा सकते हैं। आप जनता को आशा के जाल में इस नैतिकता से उलझा सकते हैं, जबकि वास्तविकता में आशा हो ही ना। आप इस नैतिक जाल की सहायता से जनता को आशा ना होते हुए भी ये विश्वास दिला सकते हैं कि आशा है। इस तरह से आप उनके स्वाभिमान को उकसा सकते हैं, उनके आत्मविमान को उबार सकते हैं कि वे अपने लिए अन्य विकल्पों के होने के उपरांत भी आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चाणक्य सदा कहते थे कि युद्ध करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात बिना युद्ध किए, बिना रक्त बहाए विजय प्राप्त करने में। बिना आक्रमण शत्रु को समूचा जीतने के लिए शत्रु के मन से आशा ही मिटा दो कि वो अपने विरोधी से जीत भी सकता है, जिससे उसके लड़ने और जीतने की क्षमता कम हो जाती है। अब आता है योजना का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में जितने भी संसाधन हमारे पक्ष में है उनका प्रयोग, ताकि हारने की संभावना ही ना। और योजना का तीसरा चरण, शत्रु की निर्बलता का अपने लाभ के लिए प्रयोग, जिससे जीतने के लिए कम शक्ति लगानी पड़े। और इस बार चाणक्य ने धनानंद के लिए उसी की सत्ता और शक्ति के केंद्र में चुनौती प्रस्तुत कर उसके अस्तित्व को ही एक प्रकार से मानो झकझोर दिया था। स्वाभिमान जब तुम्हें अंधा बना दे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, वो तुम्हें हिंसक बनाता है, तुम्हारे अंदर क्रोध उप जाता है। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें इसका उपयोगी अंग भी समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि इस अभिमान का उपयोग अपने शत्रु के विरुद्ध करें। वो तिलमिला उठेगा और क्रोध से पागल होगा, कोई ना कोई भूल अवश्य कर बैठेगा। युद्ध कौशल युद्ध नीति का प्रतिबिंब है। युद्ध नीति युद्ध के लिए यथोचित युद्ध योजनाओं के लिए निर्माण का आधार होती है। किसी भी युद्ध
या युद्ध जैसी स्थिति के लिए सफलता हेतु प्रमुख 10 बिंदु होते हैं। युद्ध के लिए यथोचित योजना, युद्ध घोषणा का समय, युक्ति संगत आक्रमण, युक्ति संगत युद्ध शैली का चयन, शत्रु की शक्ति और उसके निर्बल पक्ष की विस्तृत जानकारी, अपने सैनिकों और अपनी क्षमताओं का भिन्न भिन्न ढंग से प्रयोग, आक्रमण की चालों में चपलता से बदलाव, युद्ध के समय अपने आसपास के भूगोल की पूरी जानकारी। और इन 9 बिंदुओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है, हर युद्ध किसी न किसी प्रकार के छल या छद्म पर आधारित होता है। यदि तुमने अपने शत्रु के विरुद्ध एक अच्छी योजना बनाई तो ये मानकर चलो उसने भी तुम्हारे विरुद्ध उससे भी अच्छी योजना बनाई होगी। युद्ध में वही योद्धा सफल हो पाता है जो अपने शत्रु की सभी योजनाओं को भांप लेता है और फिर उत्कृष्ट छद्म बना पाता है। जैसे जब तुम आक्रमण करने वाले हो तो शत्रु को लगना चाहिए कि तुम अभी आक्रमण की स्थिति में नहीं हो। जब शक्ति का प्रयोग करने वाले हो तो शत्रु को लगे कि तुम निष्क्रिय हो। जब तुम शत्रु के बहुत निकट हो तब उसे लगना चाहिए कि तुम शत्रु से बहुत दूर हो, और जब तुम दूर हो तो शत्रु को लगे कि तुम उसके अत्यंत निकट हो। शत्रु से अपनी सही स्थिति छिपा कर छल से उसे अव्यवस्थित करो, और शत्रु जब अस्थिर हो उस पर वार करके उसे कुचल दो। मैं किसी युद्ध में उलझ नहीं चाहता, किंतु मगध जैसे साम्राज्य में यदि हम उनसे बिना लड़े अपने आप को बचा नहीं पाए, ऐसे में मगध से सीधे युद्ध के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बैठा भय, अज्ञात से भय जो अतार्किक है, क्योंकि अज्ञात जैसी बात होती ही नहीं है। बातें मात्र कुछ समय के लिए हमसे छिपी हुई हो सकती है, कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम उन्हें समझ ना, तो इससे भय क्यों पाले मन? ये तो संकेत है कि चलो शत्रु के सामर्थ्य के बारे में और जान, और जान, और जान। उसके बावजूद भी हमेशा रोते रहते हैं। इसके लिए चाणक्य बताते हैं कि जिस इंसान को खाने के लिए समय पे भोजन प्राप्त हो, प्रेम करने के लिए सुंदर स्त्री हो, और जिसके पास धन हो और धन को दान करने की इच्छा हो, तथा शरीर स्वस्थ हो, यह सभी सुख सुविधा आपके पिछले जन्म में किए गए तपस्या का फल है, और सभी इंसान को यह चीज नसीब नहीं होता। इसलिए आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना शुरू कर दीजिए। नंबर 3, लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, लेकिन उनके पास जो भी कुछ होता है उसे इंजॉय नहीं करते। जो जो चीज उनके पास नहीं होता उसी का शोक मनाते हैं, हमेशा दुख मनाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए चाणक्य कहते हैं कि जिसका बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी का आचरण अच्छा हो और प्रेम करने वाली हो, और अपने पर्याप्त धन से संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग यही है। उन्हें यह बात समझ जाना चाहिए। और जो जो लोग इस बात को नहीं समझते, उनके पास बहुत कुछ होता है उसके बावजूद भी हमेशा रोते रहते हैं। नंबर 4, अब चाणक्य आपके रिश्तों के बारे में कुछ बताते हैं। पत्नी वही है जिससे सुख का प्राप्ति हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और बेटा वही है जो अपने पिता का सेवा करे, आदर करे, उनका आज्ञा माने, और पिता वही है जो अपने संतान का पालन पोषण करे और हर एक सुख दुख में साथ हो। फिर चाणक्य कहते हैं कि अधिक प्यार दुलार देने से आपके बच्चों में दोष आ जाता है, यानी आप अपने बच्चे को ज्यादा दुलार प्यार देते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा कामयाब निकले। इसलिए बच्चों पे प्यार दुलार के साथ साथ कड़ी शासन भी करें और बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखें।
नंबर 5, फिर चाणक्य कहते हैं कि जो आपके सामने मीठी मीठी बात करे और आपके पीठ पीछे आपका बुराई करे, इस तरह का दोस्त रखना और अपने घर में सांप रखना दोनों एक समान है। अगर आप गलत आचरण वाले लोग, गलत समाज में रहने वाले लोग तथा गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ अपना दोस्ती रखते हैं तो आप चाहे जितना भी समझदार हो, आप एक दिन बर्बाद हो ही जाएंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आपको प्रेम या दोस्ती अपने से बराबर वाले लोगों के साथ ही रखना चाहिए। नंबर 6 और लास्ट, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लाइफ में प्लान या विचार करते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, इस तरह सभी में प्रचार कर देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसे तब तक किसी को ना बताएं जब तक वो हासिल ना हो जाए। आपको अपने लक्ष्य को मंत्र की तरह छुपा के रखना चाहिए, जब तक वो हासिल ना हो जाए धोखा से भी किसी को नहीं बताना चाहिए आपको। ये बात चाणक्य अभी से बहुत साल पहले बताए थे, लेकिन इसके पीछे का मैं आपको एक साइंस बताता हूँ। आपका जो भी गोल होता है उसे अचीव करने के लिए आपके अंदर जो भी एनर्जी होता है, एक्साइटमेंट होता है तथा उस काम को करने से आपको जो जो खुशी मिलने वाला होता है, जो भी प्लेजर मिलने वाला होता है, उस गोल को आप जिस वक्त बता रहे होते हैं उसी वक्त आपको सभी खुशी प्लेजर मिल जाता है। इसलिए इसका बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाता है कि आप अपने गोल पे काम करेंगे। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, यह बात साइंटिफिक प्रूव्ड है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए, लाइक में और सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।